चीन सेना के 2.5 किलोमीटर पीछे लौटने के बाद भी करीब 10,000 चीनी फौज की जमावड़ा माना जा रहा है और पेंगांग झील में भारत और चीनी सेना आमने सामने है। भारतीय फौज भी साजो सम्मान के साथ हर मोर्चे पर तैनात है क्योंकि चीनी सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पिछले दिनों हजारों की संख्या में पैराशूटर्स LAC के पास उतारे गए थे और रात के अंधेरे में युद्ध की तैयारी भी की गई थी। लड़ाकू विमान से लेकर युद्ध में आवश्यक हथियार की जमावड़ा भी माना जा रहा है, इसलिए भारत ने 60 बोफर्स तोप LAC के पास तैनात कर दिया है। 1962 की तरह भारत कभी भी भूल नहीं करेगा। 1962 में नेहरू के शासनकाल में बम बारूद बनाने की जगह बर्तन बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी गई थी, जिसकी आशंका चीन को थी कि भारत के पास हथियार नहीं है और चाइना ने आक्रमण कर दिया था। पर अब चाइना को पता है कि यह 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और 1962 के बाद भी भारत कई मोर्चे छोटे बड़े मोर्चे पर युद्ध करता आया है, जिसमें कारगिल का युद्ध भी एक है, जबकि चीन 41 साल में कोई युद्ध नहीं किया है और 20% चीनी सैनिक शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं है। इसीलिए चाइना कभी भी युद्ध करने की हिमाकत नहीं करेगा। दूसरा, भारत चाइना से 80% कच्चा माल निर्यात करता है, जिसमें करीब $60 अरब चाइना को फायदा है। इस वजह से भी भारत से व्यापारिक रिलेशन चाइना कभी भी खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।